ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिक्स प्रैक्टिकल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड अवर टूडेज एक्सपेरिमेंट इज रेजोनेंस ट्यूब। सो रेजोनेंस ट्यूब में हम जो फाइनल एग्जाम में जो पॉइंट हमें लिखने होते हैं आंसर शीट में, दैट आर एम, डायग्राम, फॉर्मूला यूज, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, ग्राफ है तो ग्राफ अगर पूछा जाए तो, एंड रिजल्ट, ये सारी चीजें अलोंग विद टू प्रीकॉशंस, राइट। चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में है क्या, हमें आज करना क्या है। एम देखिए, हमारे पास दो एम है यहाँ पे, टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर, एंड सेकंड वन इज टू फाइंड आउट द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क। चलिए डायग्राम से देखते हैं कि ये सेटअप कैसा दिखता होगा। ऐसा रेड में आपको एक पाइप दिखाई दे रही है, दैट इज रेजोनेंस ट्यूब। फिर यहाँ पे एक ट्यूब होगा जिसमें हम वाटर फिल कर देते हैं, और एक स्टैंड की हेल्प से इस रेजोनेंस ट्यूब को, इस जो ट्यूब है हमारे पास, इसमें डिप कर देते हैं। ठीक है, जो ग्लास जार है जिसमें वाटर है उसमें हमने डिप कर दिया। तो ड्यू टू दिस वाटर, ये जो ओपन एंड पाइप था रेजोनेंस ट्यूब, इसने एक एंड को इसको ब्लॉक कर दिया। आप देख सकते हैं कि एक एंड यहाँ पे, इसी पिक्चर को हम यहाँ पे दोबारा शो कर रहे हैं रेजोनेंस ट्यूब में, जिससे ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से यह क्या हुआ, क्लोज पाइप की तरह एक्ट करेगा। एक एंड इसका ओपन है, एक एंड इसका क्लोज है। ट्यूनिंग फोर्क जो हमारे पास है उसकी हेल्प से वाइब्रेशन हम इसके अंदर सेंड करते हैं, तो वाइब्रेशंस यहां जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, इंसिडेंट वेव्स, रिफ्लेक्टेड वेव मर्ज होंगी तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो इस एंड पे आपका एंटीनोड होगा, बट ये जो एंटीनोड की पोजिशन है, जो कि हम जानते हैं कि पाइप के एंड से लिटिल बिट हायर होता है, एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज स्मॉल ई, एंड करेक्शन जिसको बोलते हैं। एंड दिस वॉटर लेवल से जो ये हाइट होगी, दिस इज स्मॉल एल, और ये एल कैसे फाइंड आउट करना है मैं आज आपको बताऊंगा यही चीज। बात करते हैं फॉर्मूला यूज, स्पीड ऑफ साउंड का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर टाइम्स ऑफ एन इंटू एल, वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, एल इज द लेंथ दैट इज मेजर, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ यानी कि एल प्लस ई। बात करते हैं अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे एन इंटू एल का मीन डिवाइडेड बाई लेंथ एट दैट अननोन फ्रीक्वेंसी, जो हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा कैसे करना है। अब एक और फॉर्मूला है एंड करेक्शन का, एंड करेक्शन दैट इज ई, ई का फॉर्मूला होता है 0.3 इंटू डी, वेयर डी इज द इनर डायमीटर ऑफ द रेजोनेंस ट्यूब, या ये जो पाइप हमने यूज किया है ओपन पाइप, इसका इनर डायमीटर होता है, जो हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर की वीडियो का भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हमें कैसे वो डायमीटर फाइंड आउट करना है, वो हम अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे रेजोनेंस ट्यूब का इनर डायमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास गिवन ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसीज होंगी, जो फोर फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, और लास्ट वन फ्रीक्वेंसी हमारे पास अननोन होगी, वी डोंट नो उसकी वैल्यू क्या है, जो हमें फाइंड आउट करना है अननोन फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद एट पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ एयर कॉलम, और लेंथ हमें पता है टोटल, ये जो लेंथ है वॉटर सर्फेस से टॉप तक, और ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे एक प्रॉपर स्टैंडिंग वेव यहां बनती है तो एक साउंड ऑब्जर्व होती है, जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा, तो वो लेंथ हम L1, L2, L3 मेजर करेंगे, एंड देन मीन L इज देयर लेंथ। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कोरेक्टेड लेंथ, कोरेक्टेड लेंथ मतलब एक्चुअल एंटीनोड लिटिल बिट आउटसाइड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ दैट ट्यूब, तो टोटल लेंथ हमारे पास क्या हुई, एल प्लस स्मॉल ई एंड करेक्शन, तो कैपिटल एल हुआ हमारे पास एल प्लस सेंटीमीटर, राइट। तो यहां पे हर एक वैल्यूज में हम ई ऐड करेंगे, देन 1/L, और ये 1/L की कैलकुलेशन हम सिर्फ ओनली फॉर ग्राफ पर्पज, ग्राफ के लिए करते हैं। जब हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे तब मैं बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ में ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। बात करते हैं लास्ट कॉलम एन इंटू एल, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज लेंथ एल, इनकी प्रोडक्ट करनी है, लेकिन वो प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं करना है, सिर्फ हमें लॉग टेबल का यूज करना है। यहां पे लॉग टेबल के यूज से हमें एनएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। और लॉग टेबल भी आपको बाल भारती जर्नल में आपको मिल जाएगी, तो वहां से हमें फोर वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन और रिजल्ट एंड ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। चलिए आइए अब देखते हैं, ये सब हम समझने के बाद आइए देखते हैं कि हमें रीडिंग्स कैसे, एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, रीडिंग कैसे मेजर करना है। चलिए जाते हैं हम अपने सेटअप की तरफ। ओके स्टूडेंट, दिस इज आवर रेजोनेंस ट्यूब सेटअप, यहां पे आप देख सकते हैं वी हैव फाइव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ओवर देयर, ट्यूनिंग इनको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क, दिस इज 512, 480, 426, दिस इज अननोन एंड 341। अननोन है तो यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है, वैसे हमें ये पता है कि ये 384 होगा, बट यहां पे फाइनल बोर्ड में एग्जाम में मेंशन नहीं होगा, ये अननोन होगा, ये इसको कवर कर दिया जाएगा, तो दिस इज अननोन फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं, राइट। दीज आर ट्यूनिंग फोर्क। अब आप यहां देख सकते हैं यहां पे एक स्टैंड है,
और हमारे पास एक पाइप है दैट इज ओपन एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड से ये ओपन है, लेकिन जैसे ही मैं इसको डिप करता हूं स्टैंड के साथ इन दिस वॉटर, ठीक है, और इस ग्लास जार में हमने वॉटर फिल किया है और इसको डिप कर दिया इसके अंदर, तो इस वॉटर ने इस पाइप को भी फिल कर दिया अप टू दिस लेवल, राइट। अब हमें ये ऑब्जर्व कैसे करना है आप देख सकते हैं, ठीक है, कैसे परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 512 एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हाईएस्ट ताकि लोएस्ट से लोएस्ट लेंथ मुझे मिले, राइट। यहां पे आप देख सकते हैं एक स्क्रू है जिसकी हेल्प से मैं इस पाइप को ओपन या क्लोज मूवेबल कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे इस साइड पे फिक्स करना है तो मैं स्क्रू को टाइट करता हूं, अदरवाइज स्क्रू को मैं लूज कर सकता हूं, ठीक है। इट इज लाइक दिस, जस्ट टाइट इट। देन वी हैड सम रबर पैड और इस ट्यूनिंग फोर को हम इस हैंडल से, यहां पे एक हैंडल है, इस हैंडल से होल्ड करते हैं लाइक दिस और इस रबर पैड से ऐसे हमें हिट करना है टू वाइब्रेट दिस। जैसे मैं इसको हिट करता हूं इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड होल्ड इट लाइक दिस एट द टॉप ऑफ दिस ट्यूब, ठीक है। इस पाइप के टॉप पे हमें इसको ऐसे होल्ड करना है सो दैट द वाइब्रेशन गोज इनसाइड इट एंड स्टेशनरी वेव कैन बी फॉर्म्ड, राइट। तो कैसे करना है ये परफॉर्म, हमें वो लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने अभी कहा इसको हिट करता है या होल्ड किया तो हमें कोई एक साउंड कुछ नहीं सुनाई दे रही है, बट हमें क्लियर साउंड सुनाई देगी। तो मैं करता हूं इसको लूज, लोवेस्ट लेंथ में मैंने इसको फिक्स कर दिया, धीरे धीरे मैं इसकी हाइट राइज करता जाऊंगा, हिट साउंड नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज किया हाइट, देखिए हल्की सी एक साउंड मुझे सुनाई दे रही है लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं है। अभी थोड़ी सी साउंड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है मुझे लग रहा है, अभी फिर आगे कंटिन्यू, देखिए थोड़ा और साउंड बढ़ी है यहां पे, आप सुन पा रहे होंगे आई होप सो, यस। अब साउंड और काफी तेज हुई है लेकिन हमें बिल्कुल क्लियर साउंड सुनना है, बिल्कुल लाउड साउंड हमें सुनाई देगा, क्या देखिए लाउड साउंड, अगेन फिर से मैं आपको दिखाता हूं, हिट इट, बट प्रिकॉशन ध्यान रखिए कि ट्यूनिंग फोर्क इस पाइप से टच ना हो, हमें जस्ट इसके अपर पार्ट में इसको होल्ड करना है लाइक दिस, इसको टच नहीं करना है, तो एक क्लियर हमें साउंड सुनाई देगी, दैट मींस दिस इज अवर लेंथ। और वो लेंथ हम कहां से मेजर करेंगे, टॉप ऑफ दिस वॉटर सरफेस, यहां पे वॉटर सरफेस से इसके टॉप तक। तो बेस्ट है मैं एक स्केल यूज करता हूं, स्केल को मैं यहां पे होल्ड इसके पाइप पे रख देता हूं और ये हमारे पास एक वुडन स्केल है जिससे मैं इसके वॉटर के सरफेस से फाइंड आउट करना चाहूंगा। यहां पे मैंने रखा और ये देखिए आप देख सकते हैं 15.5 अराउंड हमारे पास 15.5 15.4 समथिंग है, तो दिस इज आवर लेंथ L1, राइट। और इसी लेंथ की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं 15.4 हमने यहां पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अगेन अब मैं दोबारा फिर से क्या करता हूं, सेम फ्रीक्वेंसी पे, सेम 512 फ्रीक्वेंसी पे इसको मैंने दोबारा से डाउन किया और फिर से मैं इसी सेम फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा लाइक दिस, सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा मैं और क्लियर साउंड हमें सुनाई देगी फिर से, ये देखिए यहां पे थोड़ा सा और लिफ्ट करते हैं, या दिस इज क्लियर साउंड। अगेन मुझे लेंथ मेजर करना है, ऐसे ही मैं लेंथ मेजर करता हूं फिर से जैसे हमने किया था, द बेस्ट वे, दिस इज अराउंड हमारे पास है 15.2 दिस टाइम, दिस इज अवर 15.2, चलिए ठीक है, यहां मैंने लिख दिया 15.2। सिमिलरली अगर मैं फिर से ऐसे ही करता हूं तो मैं ज्यूम कर लेता हूं दूसरी लेंथ होगी 15.3, लेट्स से 15.3, थ्री टाइम्स हमें करना है एट द सेम फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर दैट। फिर उसका हम मीन लेंगे और मीन हमारे पास होगा 15.3, मीन वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए मैं बात करता हूं, ये 512 फ्रीक्वेंसी पे हमने किया था, 512 फ्रीक्वेंसी ये हम कर चुके हैं, अब हम लेंगे 480 फ्रीक्वेंसी, आप देख सकते हैं दिस इज 480 फ्रीक्वेंसी पे, अभी देखिए आप देख सकते हैं यहां पे हुआ क्या है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो लेंथ मस्ट बी इंक्रीजेस, तो हमें इसको दोबारा से डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी हाइट से आगे कंटिन्यू कर सकता हूं क्योंकि वी नो दैट कि अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो लेंथ हमारी इंक्रीज हो रही होगी। फिर से मैंने इसको हैंडल से, हम इसको यहां पे इस हैंडल से होल्ड करना है, फिर से होल्ड किया, हिट किया, यहां प्लेस किया, कोई खास साउंड नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा रेज करता जाऊंगा और हमें क्लियर साउंड सुनाई देगी, देखिए यहां पे हल्की साउंड है, तो और थोड़ा सा हम करते हैं, देखिए यहां पे थोड़ा सा साउंड और बढ़ी है हमारे पास, थोड़ा डाउन हो गई तो हमें डाउन करना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि पहले क्लियर साउंड थी जहां तक मुझे याद है, देखिए दिस इज वेरी
गुड एंड लाउड साउंड, राइट? या फिर से मुझे लेंथ मेजर करनी है, और रिमेंबर दैट लेंथ कहां से मेजर करनी है? वॉटर सरफेस से, वॉटर सरफेस से। तो हमने फिर से स्केल को यहां पे वॉटर सरफेस पे रखा है, और ये हमारे पास लेंथ हो गई अराउंड 17, आप देख सकते हैं 17.1, अराउंड 17.1। तो हम इस लेंथ को फिर से यहां लिख लेंगे लाइक दिस, 480 फ्रीक्वेंसी पे 17.1, राइट? सिमिलरली L2 और L3 की वैल्यू भी हम मेजर कर लेंगे, एक फ्रीक्वेंसी पे हमें 3 वैल्यूज को मेजर करना है, ठीक है? इसी वे से, इसी मेथड का यूज करके हमें 5 की 5 फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हमें नोट डाउन करनी है, जो मैं यहां पे एक बार नोट डाउन करके अभी आपको बताता हूं, ठीक है स्टूडेंट? सो मैंने सारी कैलकुलेशन कर लिया है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, अननोन फ्रीक्वेंसीज की भी हमने वैल्यू ली है, बट अननोन फ्रीक्वेंसी का याद रखिए, हमें सीरीज नहीं पता है कि वो डिक्रीजिंग है या मिडल वाली है या लास्ट में है, तो अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये लेंथ फिक्स नहीं कर सकते हैं, हमें मिनिमम लेंथ से ही शुरू करना पड़ेगा। मिनिमम लेंथ हम जनरली 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर से शुरू करते हैं, और अननोन फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं ऐसे ही, और रबर पैड से हमने अननोन फ्रीक्वेंसी लिया, ठीक है, इसको हिट किया। अभी हमें पता है कि अननोन फ्रीक्वेंसी 384 है, तो वो कहीं यहां लाई करेगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें नहीं पता होगा, इसलिए हमें मिनिमम लेंथ ही लेना है। हिट करेंगे और इसको लूज करेंगे पाइप को, और धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए हम जाएंगे। साउंड को हमें ऑब्जर्व करना है, साउंड को ऑब्जर्व करेंगे। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको बहुत स्लो स्लो 1 सेंटीमीटर से ही लिफ्ट करना है उसको। देखिए यहां हल्की सी साउंड हमें सुनाई दे रही है, बट क्लियर साउंड नहीं है। ये देखिए लाउड एंड क्लियर है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो थोड़ा डाउन हुई है, तो हमें डाउन ही रखना पड़ेगा। या दैट इज वेरी लाउड साउंड, क्लियर साउंड। तो दिस इज फॉर अननोन फ्रीक्वेंसी, और जो ये लेंथ आया था अननोन फ्रीक्वेंसी, दैट इज 21.8, 21.6, 21.4। इन सभी वैल्यूज का L1, L2, L3 हमने मीन लिया, दिस इज मीन L, और इस मीन L में हमें चाहिए था एंड करेक्शन, जो मैंने कहा वर्नियर कैलिपर का यूज करके मैंने इस ट्यूब का, ये जो पाइप है, इसका इनर डायमीटर फाइंड आउट किया है, और इनर डायमीटर हमने कैसे फाइंड आउट किया वो मैं बता चुका हूं कि हम वर्नियर कैलिपर की दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वो ई जो इनर डायमीटर है वो हमारे पास आया 3.58 सेंटीमीटर, और इस 3.58 को 0.3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो विल गेट 1.074, और ये ई एंड करेक्शन की वैल्यू हम यहां पे ऐड करते जाएंगे। अब देखिए मैंने 15.30 में 1.074 को ऐड किया, दैट इज 16.374 एंड सो ऑन। इवन जो LX, दिस इज अननोन फ्रीक्वेंसी पे जो लेंथ आएगी, टोटल लेंथ E, एंड करेक्शन E, जिसमें E ऐड करने के बाद, दैट इज LX, राइट, अननोन लेंथ। उसके बाद हमने 1/L फाइंड आउट किया है ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर पाए, और फिर NL फ्रीक्वेंसी, और ये हमने लॉग टेबल का यूज करके किया है, आपको भी लॉग टेबल का यूज करके ही करना है। यहां पे आप देखिए, यहां पे हमने ब्लैंक रखा है क्योंकि अननोन फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है, जो हमें फाइंड आउट करना है हमारी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में आप देखेंगे कि लॉग टेबल का करके हमने NL की वैल्यू फाइंड आउट किया, तो हमें मिला मीन NL। इन 4 वैल्यूज का मीन हमें करना है, राइट, सिर्फ इन 4 वैल्यूज का मीन आप करेंगे, जो मीन हमारे पास आया 8614 हर्ट्ज सेंटीमीटर। उसका फिर वेलोसिटी फॉर्मूला हमें पता था, वी इक्वल टू 4 NL mean, NL mean की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, और रिमेंबर दैट उसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, दैट इज अवर वेलोसिटी। सेकेंड क्वेश्चन था हमारे पास अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना था, तो अननोन फ्रीक्वेंसी था NL mean डिवाइडेड बाई LX, तो ये है NL mean जो हमारे पास यहां आया 8614, और LX, दिस इज वैल्यू ऑफ LX 22.674, इससे हमने डिवाइड किया, जो आंसर आएगा दैट इज अवर अननोन फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। तो रिजल्ट में हम लिखेंगे, कैलकुलेशन मेथड का यूज करेंगे, तो जो भी यहां से वेलोसिटी आई है वो लिखेंगे, और कैलकुलेशन मेथड का यूज करके जो भी फ्रीक्वेंसी आए वो यहां लिखें। ग्राफ पे मैंने एक सैंपल ग्राफ आपके लिए बनाया है, ऑन वाई एक्सिस देयर इज फ्रीक्वेंसी एन, ऑन एक्स एक्सिस देयर इज 1/L सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमने जो स्केल यूज किया है हमारी कंफर्टेबिलिटी या हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंग, दैट इज 0.005 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड दिस इज 25 हर्ट्ज। हमने ये स्केल यूज किया है, आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी स्केल यूज कर सकते हैं, सो दैट कि 75% ऑफ योर ग्राफ पेपर विल बी फिल्ड, राइट।
तो ठीक है, इस ग्राफ पेपर का यूज करके, सॉरी ग्राफ सॉरी स्केल का यूज करके हमने फोर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और 1/L की वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट किया। देर आर फोर पॉइंट्स ओवर देयर और इन फोर पॉइंट्स को ओरिजिन से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इनके सर्कल को टच करते हुए एग्जैक्टली ऑन द लाइन नो प्रॉब्लम, एक एवरेज लाइन हमें ड्रॉ करना होता है तो हमने वो ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन ओवर देयर। बात करते हैं अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें 1/LX पता है 0.044 और वो 1/LX यहां कहीं होगा हमारे स्केल के अकॉर्डिंग। तो उस 1/LX से हम एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगी, राइट। इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसीज होगी हमारे पास, जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, दैट इज अवर अननोन फ्रीक्वेंसी यूजिंग ग्राफ जो हम यहां पे आंसर करेंगे, यानी कि हमारे रिजल्ट में हम वहां पे आंसर करेंगे, ठीक है। बात करते हैं सर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्राफ से। तो ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और 1/L के बीच में ग्राफ है, तो हमें पता है कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, यानी कि nl इज द स्लोप ऑफ दिस और हमें nl ही फाइंड आउट करना है क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ nl इज अवर वेलोसिटी। तो हमें स्लोप से फाइंड आउट करना है। स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहां पे आप देख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहां पे हमें इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट हमें एज्यूम करने हैं। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया, जरूरी नहीं है कि हम यही पॉइंट्स ले, हम कहीं भी कोई भी इस पूरी की पूरी लाइन पे एनी टू पॉइंट्स, मैं यहां भी ले सकता हूं टू पॉइंट्स, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होंगे यूजिंग दैट स्केल, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो हमें स्लोप आएगा एंड दैट स्लोप इज नथिंग बट द nl, राइट। तो nl का 4 टाइम्स करेंगे यानी 4 टाइम्स ऑफ दिस स्लोप विल गेट द आंसर। रिमेंबर दैट द आंसर इज इन सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो आंसर हमें मिलेगा वेलोसिटी का, दिस इज यूजिंग ग्राफ जो हम रिजल्ट में यहां लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब। यहां पे एक चीज का ध्यान रखिए, हमने वर्नियर कैलिपर का यूज अभी तक आपको नहीं बताया, जो हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। थैंक यू। हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंग दैट इज 0.005 सेंटीमीटर इनवर्स एंड दिस इज 25 हर्ट्ज। हमने ये स्केल यूज किया है, आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी स्केल यूज कर सकते हैं, सो दैट की 75% ऑफ योर ग्राफ पेपर विल बी फिल्ड, राइट। तो ठीक है, इस ग्राफ पेपर का यूज करके स्केल का यूज करके हमने फोर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और 1/L की वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट किया। देर आर फोर पॉइंट्स ओवर देयर और इन फोर पॉइंट्स को ओरिजिन से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इनके सर्कल को टच करते हुए एग्जैक्टली ऑन द लाइन नो प्रॉब्लम, एक एवरेज लाइन हमें ड्रॉ करना होता है तो हमने वो ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन ओवर देयर। बात करते हैं अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें 1/LX पता है 0.044 और वो 1/LX यहां कहीं होगा हमारे स्केल के अकॉर्डिंग। तो उस 1/LX से हम एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगी, राइट। इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसीज होगी हमारे पास, जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, दैट इज अवर अननोन फ्रीक्वेंसी यूजिंग ग्राफ जो हम यहां पे आंसर करेंगे, यानी कि हमारे रिजल्ट में हम वहां पे आंसर करेंगे, ठीक है। बात करते हैं सर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्राफ से। तो ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और 1/L के बीच में ग्राफ है, तो हमें पता है कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, यानी कि nl इज द स्लोप ऑफ दिस और हमें nl ही फाइंड आउट करना है क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ nl इज अवर वेलोसिटी। तो हमें स्लोप से फाइंड आउट करना है। स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहां पे आप देख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहां पे हमें इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स हमें एज्यूम करने हैं। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया, जरूरी नहीं है कि हम यही पॉइंट्स ले, हम कहीं भी कोई भी इस पूरी की पूरी लाइन पे एनी टू पॉइंट्स, मैं यहां भी ले सकता हूं टू पॉइंट्स, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होंगे यूजिंग दैट स्केल, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो हमें स्लोप आएगा एंड दैट स्लोप इज नथिंग बट द nl, राइट। तो nl का 4 टाइम्स करेंगे यानी 4 टाइम्स ऑफ दिस स्लोप
will get the answer. Remember that the answer is in centimeter per second. तो इसको हमें meter per second में convert करना है. तो ये जो answer हमें मिलेगा velocity का, this is using graph जो हम result में यहां लिखेंगे. ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब. यहां पे एक चीज का ध्यान रखिए, हमने वर्नियर कैलिपर का यूज अभी तक आपको नहीं बताया, जो हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा. थैंक यू.